हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर मेजरमेंट का थर्ड लेक्चर देखेंगे फॉर क्लास सेवेंथ। इससे पहले मैं दो वीडियोस इस ये मेजरमेंट चैप्टर पे बना चुका हूँ, जिसकी स्लाइड आपको जो प्राइमरी स्लाइड है, जो फेस स्लाइड है, वो डिफरेंट दिखेगा। यहाँ पे पियर्सन के बुक का जो है कि फेस होगा और उसके साथ वो दो लेक्चर्स हैं, तो आप उनको पहले देख लीजिएगा, फिर इस लेक्चर को देखने आइएगा। वैसे मैं इस लेक्चर को भी इंट्रोडक्टरी लेवल से ही स्टार्ट करूँगा और उसको रिकैप कर लूँगा, ठीक है ना। आपका जो पिछला है वो सब रिकैप्चुलेट कर लूँगा मैं। तो पूरे इनिशियल लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो वर्ड साइंस है, इसमें हम लोग ये फिजिक्स पढ़ते हैं, तो साइंस वर्ड ये आया कहाँ से? पहले एक लैटिन वर्ड है स्कायर, सॉरी स्कायर ऐसे होगा, ठीक है। इससे ये वर्ड साइंस आया है, ठीक है ना। साइंस का मीनिंग होता है कुछ जानना, और उस जानने में जो एक्सपेरिमेंट, जो डिस्कवरीज हुई, उसको हम लोग साइंस में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज फिजिकल साइंस, जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो क्वांटिटी क्या होती है? एवरीथिंग दैट यू आर सीइंग नाउ, जो आप अभी देख रहे हो, जितना भी कुछ क्यों ना, आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, जिस किसी भी मेरा लेक्चर देख रहे हो, वो भी एक क्वांटिटी है। योर हैंड इज ऑल्सो क्वांटिटी, कितना आप वाटर पीते हो, जैसे पानी पीते हो, दिस इज ऑल्सो क्वांटिटी। बट इनमें, इनको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, एक तो फिजिकल क्वांटिटी एंड अनदर वन इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये कि उन जो क्वांटिटीज है उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है, पहला फिजिकल क्वांटिटी एंड दूसरा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है ना जिनको हम लोग मेजर्ड कर सकते हैं एंड डराइव्ड कर सकते हैं। तो मेजर्ड और डराइव्ड, ये जो मेजर्ड है, आप का जो चैप्टर मेजरमेंट है उससे निकला है, किसी भी चीज़ को मेजर्ड किया, दैट इज मेजर्ड। व्हाट इज डिराइव्ड, ये आपको फ्यूचर में पता लगेगा कि डिराइव्ड क्या है। वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी से कुछ निकालना, मतलब दो चार मिल करके कुछ बना दे, उसको डिराइव्ड किया। जैसे लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, आपको कुछ नहीं पता कि एसआई यूनिट क्या होता है, लेकिन मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर होगा, दैट इज डिराइव्ड। ये फंडामेंटल है, बट दिस इज डिराइव्ड। आपको समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मैं बताऊंगा, डोंट वरी, थोड़ी भी पैनिक नहीं होनी है, डोंट वरी। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो मैं अब एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ। लेंथ, टाइम, एरिया, कुछ समझ में नहीं है, होता है। लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, टाइम का सेकेंड, एरिया फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है, ये डिराइव्ड होती है। तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ या फिर लेंथ इनटू लेंथ, वो होती है, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, जिसको हमें डिराइव करके निकाला, ठीक है। तो अब लेंथ कैसे, आपको अगर इतना बड़ा कोई स्टिक दे दिया जाए तो आप इसको मेज़र कर सकते हो, सो दैट कैन बी मेजर्ड, एंड आप डराइव्ड भी कर सकते हो कि कितना मीटर है, 1 मीटर है, 1.2 मीटर है, तो डराइव्ड भी होगा। सो दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको मेज़र नहीं किया जा सकता, उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे
ऑनेस्टी, फीलिंग ब्यूटी। आपका फेवरेट हीरोइन कौन है? लेट्स सपोज दीपिका पादुकोण। दीपिका, अब यार वो कितना खूबसूरत है दैट यू कैन नॉट मेजर एंड यू हैव नो एनी इंस्ट्रूमेंट कि आप उससे मेजर कर पाओ कि दीपिका पादुकोण कितनी खूबसूरत है। हो सकता है इंडिया के लोगों को वो बहुत ही बेहतर लगती हो, बट चाइना में जाकर के उसका वैल्यू पूरा डाउन हो जाए, मतलब वो वहाँ के लोग उसको देखें ही ना। तो सब फीलिंग्स पे डिपेंड करती है कि कैसे आप, आपका नज़र कैसा है, कि आप किसको खूबसूरत मानते हो, किसको बदसूरत मानते हो। ठीक है, हॉनेस्टी, आप कितना ईमानदार हो यार। हो सकते हो आप बोलो कि मैं बहुत ईमानदार हूँ यार, कभी भी मैंने बेईमानी नहीं की, मतलब कितना, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। फीलिंग आपको, मतलब यार देखो जैसे लव कपल्स हैं, इन दोनों के बीच कितना लव का फीलिंग है, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड यार। हमेशा ब्रेक डाउन होते रहते हैं यार, तो ये सब समझ रहे हो आप। तो अब मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल से आपको दोनों को रिलेट कर देता हूँ। जैसे आपने बोला वाटर, एक बोतल में वाटर है या फिर एक ट्यूब में वाटर फिलअप है, ठीक है ना। आपने सिर्फ वाटर बोला, तो क्या वाटर, वाटर क्या, दैट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। बट इफ़ यू आर सेइंग अमाउंट ऑफ वाटर, देन दिस इज फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज वो मेज़र भी की जा सकती है और डिराइव्ड भी की जा सकती है कि 5 लीटर है, 6 लीटर है, और मेज़र तो की ही जा सकती है, 5 लीटर है, 6 लीटर है, ठीक है ना, और 5.6 लीटर, इस टाइप से आप लिख सकते हो ना। सो वाट इज़ फिजिकल क्वान्टिटी एंड वाट इज़ नॉन फिजिकल क्वान्टिटी। यहाँ पर आप सिर्फ वाटर बोले तो नॉन फिजिकल क्वान्टिटी, प्योरिटी ऑफ वाटर या फिर अमाउंट ऑफ वाटर, जो भी मिनरल्स प्रेजेंट इन वाटर, सैलिनिटी प्रेजेंट इन वाटर, ये सब आपका फिजिकल क्वान्टिटी हुआ। तो अब हम लोग आते हैं फिजिकल साइंसेस पे। तो फिजिकल क्वान्टिटीज को जिसमें हम लोग पढ़ते हैं उसको फिजिकल साइंसेस बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के अबाउट हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको फिजिकल साइंसेस बोलते हैं, सिंपल। नीड ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मैं यार नीड क्यों हुई कि हम लोग किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए कुछ यूनिट डिफाइन करें, सिंपल है यार। यदि तुम सिर्फ हैंड से मापो ना, तो तुम्हारे पास वही हैंड पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है। सो आप हैंड को स्टैंडर्ड यूनिट नहीं ले सकते हो। क्लॉथ्स को आप मीटर में या फिर किलोग्राम में मेज़र कर सकते हो, इसको किलोग्राम में मेज़र करोगे ना, तो लीटर में और ना ही मीटर में मेज़र कर सकते हो। ऑनियन को इसको लीटर में नहीं मेज़र कर सकते हो। हैंड को, सबका हैंड सेम नहीं है। यदि आप अपने हैंड से उठा करके किसी को चावल देते हो, तो वो यदि अपने हैंड से चावल दे आपको, तो मे बी कि वो डिफरेंस हो जाए। यदि वो आ जा करके आपसे, आपके हैंड से 5 हैंड उसने चावल ले गया, ठीक है, वो कल होकर के अपने हैंड से 5 हैंड दे दिया, तो आपको लगेगा कि यार वो थोड़ा कम दिया है या फिर ज़्यादा दिया है, मे बी डिफरेंस तो होंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके हैंड और उसके हैंड में सिमिलरिटी नहीं है। वो उसका जो है कि हैंड आपके हैंड के सिमिलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन, इस वर्ड पे प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है, इस पे आप ध्यान देना, ठीक है ना, ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब यार दैट कैन बी मेजर्ड और डिराइव्ड, द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड और डिराइव इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, विद द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। तो सेम नेचर का मीनिंग क्या है, यदि आप मीटर ले गए हो मीटर, तो आप क्लॉथ्स मेजर करोगे, मीटर से आप अनियन नहीं मेजर करने पहुंच जाओगे, किलोग्राम से
अनियन भी कर सकते हो और क्लॉथ भी कर सकते हो। यार 1 kg क्लॉथ है, 2 kg क्लॉथ है, बट लीटर में नहीं मेज़र कर सकते हो क्लॉथ को ना। तो आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि कहाँ पे किसको यूज़ करना है, और सेम नेचर का होना चाहिए। ठीक है, आप 1 मीटर यूज़ किए तो उससे, जैसे मीटर है आपके पास तो आप क्लॉथ को मेज़र कर लोगे कि 5 मीटर है, तो सेम नेचर का हुआ ना, मीटर से आपने डिफाइन कर लिया। नाउ द स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज टू मेजर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जैसे मीटर, बट 5 मीटर, मीटर इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बट ये जो है कि ड्राइव की हुई है यार, इसके मल्टीपल 5। यदि 1 मीटर क्लॉथ का दाम, ये प्राइस 5 रुपीज़ है, तो 5 मीटर का 25 रुपीज़। तो इसके सहूलियत के लिए, यानी इसके सिंपल करने के लिए हम लोग ये यूनिट्स लाए हैं, ताकि दुनिया को मार्केटिंग अच्छे से हो पाए, दुनिया का मार्केटिंग, जो भी मार्केट्स हैं वो अच्छे से ड्राइव कर पाए। यूनिट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज़ यूज टू मेज़र द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ द सेम नेचर। पीछे में मैंने बताया कि आलू से सिर्फ आप आलू मेज़र कर सकते, मतलब किलोग्राम से आलू मेज़र करोगे ना, लीटर का ये जो है कि इंस्ट्रूमेंट लेकर के पहुंच गए आप आलू मेज़र करने के लिए, कि कितना लीटर है आलू आज मेज़र कर ही लेता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। मेज़रमेंट, तो ये जो वर्ड मेज़रमेंट है आपका, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बिकॉज ये आपको डिफाइन करेगा कि आप मतलब एक यूनिट को लेकर के आप मेज़र क्या कर पाते हो। जैसे मीटर ले गए, किलोग्राम ले गए, ठीक है ना, लीटर का। तो यार ये तीनों लेकर के आप यदि पहुंचते हो, ठीक है ना, और उससे कुछ मेज़र करते हो, दैट इज़ मेज़रमेंट। अब ये जो, ये तीनों ही नहीं, बहुत कुछ आता है, फुट, माइल्स, सेंटीमीटर, मीटर, माइल्स, फुट, ये सभी जो है कि डिस्टेंस के हुए, लाइट ईयर। तो डिफरेंट प्लेसेस पे आप डिफरेंट यूनिट को प्लेस करते हो कुछ मेज़र करने के लिए। तो आपके जो क्लास 7th में है, उसके मतलब अकॉर्डिंग सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, नॉट एग्जैक्ट कि वो 2 टाइप्स के ही होते हैं, बट आपके क्लास 7th में पियर्सन में 2 टाइप्स के दिए हुए हैं, तो मैं आपको 2 टाइप्स के बता रहा हूँ, ठीक है ना। फुट, FPS आपको नहीं दिया गया, फुट पाउंड, फुट में कुछ मेज़र करते हो ना, फुट में, तो इसमें फुट नहीं पढ़ना है, आपके बुक में दिया हुआ कि फुट नहीं पढ़ना है, तो मैं नहीं बता रहा। आपके आगे जैसे 8th या फिर 9th में आपको पढ़ना होगा, तो मैं वहाँ पढ़ाऊँगा आपको। तो सीजीएस यूनिट एंड SI, सीजीएस क्या होती है और SI क्या होती है, सिस्टम इंटरनेशनल, एंड सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यानी सीजीएस में अभी यदि आप किसी चीज़ को मेज़र करते हो, जैसे इसके लेंथ को मेज़र करो तो सेंटीमीटर में, कुछ आलू रखिए तो उसको ग्राम में, और कुछ टाइम आपने वेस्ट करी उसको सेकेंड में। SI सिस्टम में क्या होता है, मीटर और ये आपको SI में जो ये ग्राम के बदले, जैसे किसी का वेट यदि आपको मेज़र करना हो तो आप ये क्या यूज़ करोगे, इसके किलोग्राम एंड टाइम के लिए सेकेंड। सो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, दैट इज़ SI, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या फिर सिस्टम इंटरनेशनल। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते, जैसे वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा इसमें, सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट इसमें क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। टाइम तो सेकेंड इसमें भी है और इसमें भी सेकेंड ही है टाइम का। एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज हियर। सो दो पढ़ने से आपको मैंने दो बता दिए, और उन लेक्चर में भी मैंने, ये जो दो लेक्चर्स हैं उसमें भी मैं बताया हूँ,
इसको। फिर आपका जो मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम आता है, वो टॉपिक है आपका मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या पढ़ना है, अब यार कोई भी निश्चित, जैसे कोई स्फीयर है, ठीक है ना, ये स्फीयर टाइप का दिख नहीं रहा है बट समझ लो। तो यहाँ पे यदि इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, 4/3 πr³ कर लो आप, बट इफ़ इट इज इरेगुलर शेप्ड देन आप उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे यार, मैं आपको भी बताता हूँ। ऐसे अगर इरेगुलर शेप हो तो आप इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे, सिंपल है यार, वेरी वेरी सिंपल। सोचो ऐसे, इट्स वेरी वेरी सिंपल। एक आप टब लो एंड इसके नीचे भी एक टब लो, और उसको इस टब को इसमें डाल दो, और इसको पूरा जो है ना किसी लिक्विड से फिलअप कर दो। सिंपल है, वाटर अवेलेबल रहता है, इससे इसको भर दो यार, ठीक है। अब यार इसमें वाटर है, और इस ऑब्जेक्ट को लेकर के इसमें प्लेस्ड कर दो यार, इसको ऐसे प्लेस्ड कर दिया आपने, तो इसमें से कुछ लिक्विड्स बाहर आएंगे बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। और इस वाटर को आप लीटर, जिससे मेज़र किया जाता है इंस्ट्रूमेंट से, उसमें जा करके मेज़र कर लो यार, इसका वॉल्यूम पता लग गया ना सिंपली। तो ये हुआ आपको वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका। यार कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके यूनिट्स को CGS एंड SI में हम लोग देखते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका एरिया, आपके बुक में ही दिया हुआ है, तो एरिया का CGS में क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और SI में मीटर स्क्वायर, यानी ये SI है एंड ये CGS है एंड ये फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम, cm³, m³, उसके अगले आपका डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है ना आपका, इसमें ग्राम एंड cm³, सिर्फ जी लिखना आप ग्राम के लिए, एंड इसमें किलोग्राम, m³, ठीक है ना। एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे आपका होगा cm² यहाँ पे m²², फोर्स के लिए इसमें डाइन होता है एंड इसका न्यूटन होता है, न्यूटन एंड डाइन। एंड नेक्स्ट इज योर वेट, वेट का जो है कि इसमें होगा आपका mg होता है ना mg, तो g, इसको मैं आपको अच्छे से डिफाइन ही कर देता हूँ वेट को। वेट वेरी करती है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, यदि आप अर्थ पे हो तो डिफरेंट वेट होगा, मार्स पे हो तो डिफरेंट वेट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप mg होती है, और ये g जो है ना, ये आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड m मास होती है, तो मास के लिए किलोग्राम एंड ये एक्सेलरेशन के लिए m² किलोग्राम m² इन SI एंड ग्राम cm² इन CGS। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया परपेंडिकुलर, प्रेशर ये होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर SI में, और डाइन पर cm² इन CGS में। टेम्परेचर का डिग्री सेंटीग्रेड होता है CGS में एंड केल्विन होता है आपका SI में। मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ आपको, एनर्जी का अर्ग होता है CGS में एंड जूल होता है SI में, एंड इतने ही आपके बुक्स में दिए हुए थे।
नेक्स्ट टॉपिक इज योर मेजरमेंट ऑफ मास। मास किसी बॉडी का उतना ही होगा जितना उसमें मैटर प्रेजेंट होगा, वो यूनिवर्स में कहीं भी चला जाए। वैसे यूनिवर्स को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें ना तो कुछ आए और ना ही उससे कुछ बाहर जाए। तो यूनिवर्स को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। की तरह समझते हैं, बोलते नहीं है, समझते हैं। यानी ना तो इसमें एनर्जी आ सकती है और ना ही एनर्जी जा सकती है, ना तो मास आ सकती है ना ही मास जा सकती है। तो किसी बॉडी का मास कितना होगा जिसमें उसमें जितना उसमें मैटर होगा, जितना मैटर उसमें कंज्यूम्ड होगा। मास इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। मैं लिख देता हूँ इसको, इस डिफिनीशन को। मास इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इन अ बॉडी। अब यार वो स्पेस में कहीं पे भी चला जाए, अर्थ पे हो, मार्स पे हो, कहीं पे भी, इन एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, उसका जो मास होगा वो चेंज नहीं होगा, बट वेट चेंज होगा यार, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। उसका ग्रेविटी कितना है इस पे डिपेंड करेगा उसका वेट। सो इसको हम पहले इरेज करते हैं, देन आई एम टेलिंग यू। एसआई सिस्टम में जो मास का यूनिट होता है वो क्या होता है? किलोग्राम, ठीक है ना, किलोग्राम होता है एसआई सिस्टम में। द मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मास आर क्विंटल। वन क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg एंड मीट्रिक टन। वन टन इज इक्वल टू 1000 kg, ठीक है ना। एंड सब मल्टीपल यूनिट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, जैसे ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, ये सब भी है। मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विथ प्लेस और टाइम। ये पॉइंट आप अपने वेजे में डाल लो। जो बॉडी का मास होता है वो प्लेस और टाइम के साथ नहीं चेंज करता है, इट रिमेंस कॉन्स्टेंट। मास इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ फिजिकल बैलेंस और अ बीम बैलेंस। मास को आप कैसे मेजर करते हो? फिजिकल बैलेंस किससे मेजर करते हो? फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस से। और ये कहीं भी टाइम और स्पेस के साथ चेंज नहीं होता है, बट यही कहानी जो है कि वेट के लिए चेंज हो जाती है। मेजरमेंट ऑफ वेट, WEIGHT। तो इसमें क्या होता है यार, ये जो है कि स्पेस और टाइम के साथ चेंज कर जाता है, ये वेरी करता है। यदि आप अर्थ पे हो तो कुछ अलग होगा आपका वेट, बट मून पे हो तो आपका कुछ अलग होगा वेट, बट मास नहीं, मास दोनों जगह सेम होगा। वेट का जो एसआई यूनिट होता है वो किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने अभी बताया इसको, बट मास का क्या होता है? सिर्फ किलोग्राम होता है। तो इसका एसआई यूनिट ये अर्थ और मार्स पे चेंज कर सकता है, बिकॉज इट्स ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है अर्थ पे। मे बी डिफरेंट कितना है मून पे ये मुझे नहीं पता, बट अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और ये कुछ पॉइंट्स जो है ना आपके बुक्स में भी दिए हुए हैं, तो आप उनको जा करके पढ़ लेना जो पॉइंट्स दिए हुए हैं। और मैं इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस देख लेता हूँ मास एंड वेट के बीच में, कुछ डिफरेंसेस है उनको मैं बता देता हूँ। पॉइंट नंबर वन,
इट इज़ अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, मैंने बताया इसको आप लिख लेना, इट इज़ अमाउंट ऑफ मैटर, इट इज़ अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। अब वेट का फर्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड, इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल का स्पेलिंग ये रहा ग्रेविटेशनल, एग्जर्टेड का स्पेलिंग ये रहा EXERTED, एग्जर्टेड, ग्रेविटेशनल एंड एग्जर्टेड, एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी, अर्थ ऑन अ बॉडी, इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी। सेकेंड पॉइंट लिखना मास का, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट एनीवेयर इन द यूनिवर्स, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट इन एनीवेयर इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स कॉन्स्टेंट, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट एनीवेयर इन द यूनिवर्स। सेकेंड पॉइंट ऑफ वेट, सेकेंड पॉइंट वेट का लिखना, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन, वेरिएशन अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी ग्रेविटी, ग्रेविटी, ओके। थर्ड पॉइंट ऑफ मास, मास का थर्ड पॉइंट लिखना, इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम, इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, इट इज मेजर्ड, इसका फोर्थ पॉइंट, इट इज मेजर्ड यूजिंग अ कॉमन बैलेंस, इट इज़ मेजर्ड यूजिंग अ कॉमन बैलेंस, इट इज मेजर्ड यूजिंग अ कॉमन बैलेंस, इसका फोर्थ पॉइंट लिखना, इट इज मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, धीरे धीरे जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ोगे, सॉरी बैलेंस का ये स्प्रिंग है, बैलेंस, ये सभी आपको स्प्रिंग क्या होती है ये सब आपको क्लियर होती चली जाएगी, ये आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ना है, स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिखना आप इसका, मास का, द मास ऑफ अ गिवन बॉडी कैन नॉट बी जीरो, द मास ऑफ अ गिवन बॉडी कैन नॉट बी जीरो, फिफ्थ पॉइंट इसका वेट का, द वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो when no gravitational force act on it, the weight of a body, the weight of a body can be zero when no gravitational force acts on it, यदि किसी body पे gravitational force ना हो तो उसका क्या होता है, weight zero होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, लेक्चर एंड होता है आज का, और आप अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, मैं अपना पूरा एफर्ट डाला हूँ इस वीडियो में, आप भी अपना एफर्ट डालो शेयर करने में, तभी मैं आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँगा, ठीक है ना। आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट है, देन आई ये मैं वीडियो बनाया आपके लिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू.